মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখি আমার অনেক কেউ দেখেনি ঘাসে হারালো তোমার খেলার পুতু মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখি আমার অনেক কেউ দেখেনি ঘাসে হারালো তোমার কানের দু তাই খুঁজতেই কাটলো বেলা ডুব সাঁতার মন চুরি করে নেওয়া সময় আমার উপার্জন পামাগারে সা মাটি খুঁড়ে मैं 1000 वर्षों से पृथ्वी पर भटक रहा हूं। सिलोनीज महासागर से लेकर मलाया के समुद्र तक मैंने सब कुछ घूमा है। मैं सम्राट बिंबिसार और अशोक की राख की दुनिया में भी गया हूं और हम वहीं पे थे, और विदर्भ नगरी के अंधेरे में और भी चला गया। मैं एक थकी हुई आत्मा हूं, जैसे जीवन सागर मेरे चारों ओर झाग बना रहा है। मुझे नाटोर की बोना लाता सेन के साथ शांति के पल मिले हैं। ए, क्या चाहिए? आज रात नहीं होगा, दुकान बंद है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? ऑफिस बंद है, शरीर ठीक नहीं है अभी। क्या हुआ, क्यों हंस रहा रे तू? एक बार में समझ नहीं आता क्या? ये तो बड़ा अजीब आदमी है। अरे समझ नहीं आता कि तेरे को कब से बोल रही हूँ। हाँ जीवनानंद, हाँ सेम फॉन्ट में प्रिंट है पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। क्या बकवास है, पुलिस क्या केंद्र सरकार है या पीसी सरकार जो ओवरनाइट इसे हल कर देगी? सर पाकराशी इस केस को बहुत दिनों से देख रहे हैं, करीब 8 महीने से। 8 महीने क्या आप इसे ओवरनाइट बोलेंगे? तो क्या करो, बोलो तुम्हारा क्या सुझाव है? सबसे बेहतर तो वही है, तो क्या उसे केस से हटा दूं? नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर आप एक बार उनके साथ बात कीजिए। मुझे पता है कि ये डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, लेकिन पूरा प्रेशर पुलिस फोर्स पे आ रहा है सर। 8 महीने में 4 हत्याएं, एक ही पैटर्न, एक ही मेथड। लोग रात को डर की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं सर। फिर भी प्रेस को पूरे मामले की जानकारी नहीं है सर, जान गए होते तो। सुनो देबू, पाकराशी जैसे ऑफिसर को काम सिखाना बहुत ही अपमानजनक है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? हा? उसके जैसा बुद्धिमान और ठंडे दिमाग का लड़का है क्या कोई डिपार्टमेंट में? ओ मतलब कार्ड दोबारा स्वाइप करेंगे? हाँ नहीं होगा। मैनेजर को बुलाओ, बात करनी है। मैनेजर को बुलाओ ना, बात करनी है। अरे सॉरी। कहाँ है मैनेजर? कहाँ है? ओए कहाँ है, किधर? सॉरी सॉरी लेट हो गई। ये क्या, तुम्हें क्या हुआ? मैम असल में भूल से। कोई भूल भूल नहीं हुई है, ये सब धोखेबाजी है। मैंने बिल चेक किया तब जाके पता चला। अभी प्लीज कितना हुआ मैं दे देती हूँ। क्यों क्यों, तुम क्यों दोगी, तुम क्यों दोगी? यहाँ क्या कोई चैरिटी हो रही है? चैरिटी? इसमें चैरिटी कहाँ से आ गई? क्या बकवास कर रहे हो आप? चलिए मेरे साथ, कितना हुआ है बताइए और बिल दे देना। ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा प्लीज। सबके सब यहाँ काम चोर है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ये इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ हमें इसमें तेजी लानी होगी, कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। सर शायद उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। मतलब? सीरियल किलिंग एक खास तरह का क्राइम है, इसका भी अपना एक नियम है, जांच के तरीके हैं, और इस तरह के मामलों में किसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको तो। देबू असंभव। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम जानते हो। लेकिन सर वो बहुत पहले की बात है, लेकिन आज की, आज के मौजूदा समय में खड़े होकर मैं अतीत की गलती दोहराना नहीं चाहूंगा। माफ कीजिए सर, अगर आप चाहे तो इस मामले को संभाल सकते हैं, और आप अपनी क्लासमेट को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या सच में उन्हें हैंडल करना इतना मुश्किल काम है? हाँ उसे जानता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं।
ठीक है सर, जो आपको सही लगे वही कीजिए, लेकिन एक बात है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। क्या हुआ, तुम्हें मारा है क्या? और नहीं तो क्या, बिना अकल के पैदा हुआ था क्या बे? ए! सीधे मुंह बात नहीं कर सकता, खोकन का है? नहीं है। मतलब? मैं यहां हूं क्योंकि मैंने चिल्लाया, खोकन चुप रहा है इसलिए वो यहां नहीं है। सबसे पहले तुम ये जान लो कि मुझे सब कुछ पता है इस बारे में, अगर ये समझ गए ना फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे? जी सर। वाह, अगर तुम सच सच यही बता दोगे ना तो तुम्हें थर्ड डिग्री देने की जरूरत नहीं होगी, समझे? क्या मतलब सर? इसका मतलब मेरी बात समझे नहीं तुम, अब वही करना पड़ेगा। यकीन मानिए सर, सर वो मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कसम खाता हूँ सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, सर मैंने कुछ नहीं किया है, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, सर मैं उसमें शामिल नहीं था। इतना चिल्लाना जरूरी था क्या? हाँ था, मैं इतना कृपाशील बन के नहीं रह सकता। कौन सा शील? दयालु, खैर जाने दो। ओए, देखो। अरे अरे आगे से हटो ना। धोनी, धोनी, यस, यस। धोनी, यस। यहाँ पर एक के बाद एक खून हो रहे हैं और ये लोग वर्ल्ड कप जीतने पर पागल हुए जा रहे हैं। तुम्हें आजकल हो क्या गया अभी? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मतलब ऑफिस का गुस्सा हर जगह निकाल रहे हो। मतलब? हा? क्या? क्या 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 बताओ मुझे, बस करो। नहीं नहीं नहीं, क्या 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 मुझे जानना है बताओ ना, क्या क्या जोर से बोलो ना, मुझे भी जानना है। स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन हियर। मैं भी यहाँ कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ मैडम, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ पर जितने भी केस चल रहे एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, ऐसा किसी ने कहा? किसी ने भी नहीं। असल में ये ऑफिस है ही नहीं, यहाँ फाइलें नहीं चलती, गोलियां चलती है। पावर पॉइंट के नाम पे माफिया है और अपना ये माइक्रो छोड़ो, कोई सॉफ्ट भी नहीं यहाँ पर। इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द वे यू स्पीक। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो, गुस्सा आता है मुझे। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, हेलो अमृता, सुनो कहाँ जा रही हो तुम? क्या बात है, हिंदी मीडियम का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है क्या? सुनो, अच्छा ठीक है इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, प्लीज स्टॉप। ए सुनो सुनो। ए, रुको रुको रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? पकड़म पकड़ाई खेल रहे, खेलोगे? क्या बोला बे, मैं तेरे बाप के साथ खेलूंगा। कौन सा थाना? कौन सा थाना? सर नहीं, मतलब सर मैं समझ नहीं पाया सर। क्यों समझ नहीं पाए? क्या शहर के पुलिस वाले सिर्फ राउंडअप पे ही निकलते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं, वो नहीं तुम था। हिंदी फिल्में देखते हो ना तो तुम्हें यही लगता होगा। सर, समझ सकता हूं। आप मुझे एक टैक्सी करा देंगे? पागल हो गई हो? नहीं, मेरी बात सुनो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो अमृता, टैक्सी बुलवा देंगे। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। क्या हुआ, बुलवा देंगे ना? आइए मैडम। सर निकलो। चलो चलो चलो। Thank you.
तुम लोगों के प्रति सिर पर दिन में एक बार कौआ हगता है। हाथ से साफ करने में डरते हो तो खोजने लगते हो अखबार के कागज। कुछ बना के दूं, खाओगे? खोजने लगते हो सूखे पत्ते। क्या हुआ? खाना नहीं, नहाना नहीं, आपका ये सब क्या चल रहा है? खुद के मल मूत्र से भी घृणा करते हो और ना ही जानते हो तुम नहाना। तुम बस बकबक करते रहो, मैं जा रहा हूं खाना बनाने। कौन सी मछली है? कौन सी मछली लेकर आए? तेलापिया। तेलापिया तो क्या करूं, घर में एक पैसा नहीं है तो क्या रावस लेके आऊं? सुबह सुबह दिमाग की दही कर दी। रावस से मैं नफरत करता हूं, नफरत। क्या बकवास कर रहे हैं? एक दिन उन लोगों को मेरी कविता छापनी ही होगी, देख लेना। उल्टा सीधा लिखेंगे और पागलों जैसी बकबक करते रहेंगे, परेशान करके रखा है। हेलो, रविंद्रनाथ जी हैं क्या? हाँ जी, मैं निवारण चक्रवर्ती। आओ तुम्हारी खोपड़ी देखूं, देखूं मैं पेनिट्रोस्कोप से, देखूं कि कौन सा हिस्सा खराब है और कौन सा हिस्सा अभी भी जिंदा है। देखता हूं तेरी बुद्धि किस तरफ से खुली है और किस तरफ से बंद है। देखूं अभी भी कितना बचा हुआ है और कितना है खोखला। सुकुमार राय की ये लाइंस 11 सितंबर को सुबह बॉडी के पास मिलती है। पागल को इलाके के सब लोग पहचानते हैं। कविता के साथ कोई कनेक्शन? मोडस ऑपरेंडी, पत्थर से सर कुचलकर विक्टिम का खून कर देना। कंटिन्यू। दूसरा खून 22 अक्टूबर 2010 हरकता गली मालती कुंडू यानी कि रोजी, पेशे से वैश्या, पहले सर पर वार उसके बाद गला दबाकर हत्या। और वहीं पास में मिलती है ये लाइंस। मैं 1000 वर्षों से पृथ्वी पर भटक रहा हूं, सेलोनीज महासागर से लेकर मलाया के समुद्र तक मैं हर जगह घूम चुका हूं। मैं सम्राट बिंबिसार और अशोक की राख की दुनिया में भी गया हूं और मैं वहीं पर था, विदर्भ नगरी के अंधेरे में और दूर चला गया। मैं थकी हुई आत्मा हूं, जैसे जीवन का सागर मेरे चारों ओर झाग बना रहा है। मुझे नटोर की बनलता सेन के साथ शांति के पल मिले हैं। जीवन आनंद? हाँ, सेम फॉन्ट में प्रिंट किया गया है पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। नेक्स्ट। तीसरी घटना 11 दिसंबर 2010 केवड़ातला महाशमशान के पास का एक रास्ता। मरने वाले का नाम सुबरन ढोल, पेशे से डोम, शराब पिया हुआ था। कोई गाड़ी से कुचल कर चला जाता है, एक बार नहीं, जब देखता है कि वो जिंदा है तो वो वापस आता है। अजीब बात है, पास में एक चिट मिलता है जिसमें लिखा था, एक उज्जवल मछली उड़ने की कोशिश की पर देख नहीं पाई, पर प्रकृति के प्रस्ताव से साफ पानी में फिर से डूब गई। यह दृश्य देखने के बाद किसी कच्चे फल की तरह दर्द की गहरी खाई में पक रहा हूं। अरे अब ये कौन से कनेक्शन है? कविता की किताब का नाम है फिर ऐसो चाका, विनय मजूमदार। नो थैंक यू। फिरे ऐशो चाका, आई गेट इट, आई गेट इट, समझ गया। पर स्मार्ट है। उसके बाद? हाँ, चौथी और आखिरी घटना 23 मार्च, नीचे गार्डन के पास बबलू शोभाधार नाम का एक खूंखार गुंडा, पीठ में छुरी मारकर खून, उसके बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। यहां पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। पास में शक्ति चट्टोपाध्याय की कविता की कुछ लाइंस मिलती है, सर पे पत्थर तोड़कर लड़के ने बहुत गलत काम किया है, इंसान था नरम, काट के बिखरा सकते थे। अंधा लड़का बंधा लड़का, जीवन है खिड़की में, पत्थर काटकर रास्ता बनाना है इसलिए हुआ है व्यर्थ। रास्ते का दर्द रास्ता ही जानता है और हमारे दर्द हम। इंसान बड़ा सस्ता है,
जिसे काट कर बिखेर सकते हैं। बास्टर्ड। लाइट्स। भैया जी आप हैं क्या? हाँ बस हो ही गया है, बस कुछ दिनों की बात है। अरे ये बीच बीच में आपको क्या हो जाता है और इतनी रात को आप कहाँ जाते हो? अपने काम से मतलब रख बेवकूफ, तुझे कविता समझ में आती भी है? अब इसमें कविता कहाँ से आ गई? देखिए मेरी बात सुनिए, आप रात में बाहर मत निकला करिए। टीवी में बोल रहे कोलकाता में खून की बाढ़ आ रही है। चुप रह, ज्ञान मत दे, ये तो होना ही था। छोड़ तू सो जा, मुझे बहुत काम करना है अभी, फोन फान करके डेट फेट लेना होगा। देखिए बस हो गया, अब इतनी रात को किसे फोन कर रहे हैं? अरे भाई रविंद्रनाथ। 11 अरेस्ट हुए, उनमें से 8 लोगों को तुमने छोड़ दिया, बाकी 3 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन। फॉरेंसिक लैब भी कोई लीड नहीं दे पा रही है, एजेंट भी कुछ नहीं कर पाए। ये अच्छा नहीं है पाकराशि, जस्ट नॉट गुड एनफ। मेरे ऊपर भी लोग हैं और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी, सब तुम्हारी ये मेटियोरिक राइज, इतनी तरक्की देख के खुश नहीं भी हो सकते हैं। देवदा क्या बोल रहे हैं मुझे कैसे हटाने के लिए? देवू क्यों कुछ बोलेगा, मैं जानता हूं। सुनो मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में रहो और जानता हूं तुम इसे सॉल्व भी करोगे, सिर्फ ये मतलब हमें इस केस में किसी और के मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि आपका मुझ पर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आप मुझे इस केस से निकाल ही दीजिए। एक मिनट सर, किसी के पीछे हवालदार बनकर घूमना ये मुझसे नहीं हो पाएगा सर। आहा, तुम इस मामले को ऐसे क्यों ले रहे हो? सुनो ये तो बस एक गाइडेंस है कि नहीं, लीड तुम ही करोगे, बस समझ लो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन तुम्हारे साथ है। एक्सपर्ट ओपिनियन? प्रवीर मेरा क्लासमेट था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम साथी थे, आईपीएस की परीक्षा भी एक साथ ही दी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, बड़े घर का लड़का था, उत्तर कोलकाता में उन लोगों की। एक मिनट सर, प्रबीर मतलब प्रबीर रॉय चौधरी जिसे फोर्स से निकाल दिया गया था? देखो पहले तो मुझे कंप्लीट करने दो। एक बहुत अच्छा ऑफिसर होने के बावजूद भी प्रबीर की एक प्रॉब्लम थी, उसका गुस्सा। वो किसी भी क्रिमिनल को, चाहे उस पे अपराध साबित हुआ हो या ना हो, डजंट मैटर, वो उसे अपना पर्सनल दुश्मन मानता था और उसका कन्फेशन लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाता था। और अगर उसे लगता था कि कोई क्रिमिनल बिना सजा के बाहर है तो फिर एनकाउंटर, दैट इन कस्टोडियल डेथ। ऐसी एक घटना 1999 में घटी थी, एक बहुत बड़े प्रमोटर के बेटे, नाम मोंटी हालदार, उसकी मौत हो गई, बल्कि प्रवीर ने एनकाउंटर के नाम पे उसकी हत्या कर दी, वो भी बिना किसी ट्रायल के। ये सारी चीजें बाहर आ गई, उसके बाद जो होता है मीडिया शामिल हो गई और फिर जांच आयोग के सामने लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी और पुलिस फोर्स ने उसे बर्खास्त कर दिया हमेशा के लिए। और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, वो भी इस केस के लिए? हाँ मैं दिल्ली के उच्च अधिकारी से बात कर लूंगा। लेकिन ये सब क्यों सर? क्विज टाइम। 1977 पुणे, 1985 मुंबई, 1980 चेन्नई, 1989 कोलकाता। भारतवर्ष में सीरियल किलिंग के सबसे कुख्यात मामले, और इन सभी केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड में एक ही मेंबर कॉमन था, ऑन रेपुटेशन। कोई अनुमान है? आपका वो क्लासमेट? और सिर्फ सीरियल किलिंग नहीं, वो बाकी सारी चीजों का भी जानकार है, बहुत प्रतिभाशाली है। और ये भी याद रखो कि वो बहुत ही रफ है, जुबान बहुत खराब है, शायद वो तुम्हें उकसा भी सकता है, बेइज्जत भी कर सकता है। इन सब के लिए तैयार रहना, अगर पेशेंस रखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे।
तो जाओ पकराशी, उसकी मदद लो इससे पहले कि देर हो जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बंगाली ऑडियंस सुबह चाय के साथ प्रिया बटर खाते खाते जगदूरी पर देखना पसंद करेगी? लेना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और मत भूलो यहाँ एक जागरूकता की बात भी है। सो हाउ डू यू वांट इट, सिनेमैटिक या ड्राई डॉक्यूमेंट्री टाइप? अच्छा, तो ये गैर काल्पनिक टीवी सीरीज जैसा होना चाहिए, 13 एपिसोड, सारी दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के बारे में। मतलब पब्लिक एक तरह से न्यूज चैनल के हाल में घटी इस घटना को देखेगी और दूसरी ओर इस इतिहास को फिर से याद करेगी, अब हिस्ट्री चैनल में। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया, सभी के सभी मामले हिंसक हैं, कटा हुआ शरीर, कटे हुए हाथ पैर, यौन अंग, सेक्सुअल असॉल्ट, क्या लोग देखेंगे? देखेंगे देखेंगे, बच्चे जैसे भूत की फिल्म देखते हैं ना, डरते हुए माँ बाप से चिपक कर फिल्म का मजा भी लेते हैं। सूरज, हमें डरना बहुत अच्छा लगता है। और रही बात हिंसा दिखाने की, गल्फ फोर्ट जब टीवी में दिखाया जाने वाला था ना, तब दर्शकों की रेटिंग क्या थी पता है? हालांकि अभी तक कर्फ्यू की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी यह शहर बंद है। जब मेरा शहर सूर्यास्त से डर रहा है, तब मैं अपने चैनल पर क्या दिखाऊंगा, टॉम एंड जेरी या दुष्ट प्रेम का सुंदर त्रिकोण? सही है, फिर तो टॉम एंड जेरी भी ठीक है। रुकिए, एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस किस सीरियल किलर को लेकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। निश्चित ही जैक दरी पर, सीरियल किलर की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, बल्कि ट्रेड सेंटर, और उसके बाद मास्टर स्ट्रैंगला, पोफीरियस लवर। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं कल रात ब्राउनिंग की कविता पढ़ रहा था तो प्रेम कविता और बॉस्टन स्ट्रैंगलर के साथ कविता के प्रेमी का कहाँ कुछ मेल। अरे ये सब जाने दीजिए, अब बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, सही कहा तुमने, हमें इसे सम्मिलित करना चाहिए, इससे एक अच्छा एंगल मिलेगा। अच्छा, शरद चंद्र, बंकिम या रविंद्रनाथ ने सीरियल किलर के बारे में कुछ लिखा है क्या? सीरी नहीं, मैं ठीक से जानता नहीं, देखना पड़ेगा। देख लो देख लो, हम क्रॉस रेफरेंस कर सके तो बड़ी यूएसपी होगी। इनफैक्ट 13 तो नहीं, 12 नाम को ही फाइनल करेंगे। हम 13वीं कड़ी को खंगालेंगे, इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि पुलिस के रिकॉर्ड से। मतलब? एक इंटरव्यू लाइव एक जीता जागता सीरियल किलर के साथ। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ देखो, फालतू की बातें मत करो। अरे सुनो सुनो, एक सेकेंड। हाँ ये फालतू जैसा कुछ नहीं होता है, हम इसे फालतू नहीं फालतू बोलते, समझी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़ाई को अब और नहीं खींच सकता। तुम आओ और अपना सामान लेकर जाओ प्लीज, ठीक है? थैंक्स, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, अच्छे से रहना। अरे उठना आलसी कहीं के, अबे एक घंटे के लिए तो आता है, अफीम पीने के लिए सैलरी मिलती है क्या? कनाई
कौन है? आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि आज हमारा क्या चाहिए चंदा? चंदा नहीं दूंगा मैं, भौंक लो। एक सिगरेट देगा वरना जेल में डाल दूंगा। नहीं, मैं मैंने कॉल किया था आपको। मेरा नाम अभिजीत है, मैं केस के सिलसिले में आया हूं। अभिजीत, पुलिस ऑफिसर? हाँ। लेट हो। असल में मैं गली भूल गया था, इसीलिए इतना। यू आर लेट 12 मिनट। पिछले 12 मिनट में सूरज की रोशनी एक से ज्यादा बार पृथ्वी पे आ चुकी है। हमिंग बर्ड ने 72,000 बार अपने पंख फड़फड़ाए हैं, और पिछले 12 मिनट के रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 8 रेप केस हो चुके होंगे। और तुम गली भूल गए अभिजीत। विस्की पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। बोन बीटा? नहीं, शुक्रिया। बैठो। अब बताओ मैं अपना वक्त कैसे बर्बाद करूं? एक केस के सिलसिले में वो मतलब वो शहर में जो खून हो रहे हैं उसी सिलसिले में हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें थोड़ा गाइड करें तो। असल में सच्चाई ये है कि अभी तक हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ। क्यों, टेस्ट पेपर में सजेशन नहीं मिल रहा है? मतलब उसी तरीके से तो चल रहा है, या तो डोनेशन या सिफारिश या चीटिंग करके। डॉक्टर हो या पुलिस की नौकरी, बिना दिमाग खर्च किए ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं तो अभिजीत, मेरी बात मानो तो पिद्दी चोर पकड़ लो, या फिर तुम किसी नेता के घर पर बाहर खड़े होकर चौकीदारी करो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन में अच्छा खासा आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोगों के पास अच्छे खासे एविडेंस भी हैं। और कुछ अरेस्टेड? अरेस्ट माय फुट, सब बकवास। देखिए प्रबीर जी, आप बहुत देर से। सर। क्या? प्रबीर जी नहीं, सर। मैं कोई दुकान नहीं चलाता। ओके सर, देखिए मैं आपको बहुत देर से एक अच्छा और सीधा प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप राजी हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो हम। नहीं तो क्या, मैं एक और जाम पीऊंगा और तुम अपने सूमो में बैठकर घर जाकर बिस्तर पर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, और उधर तुम्हारा वो साइको किलर कुछ और लोगों को मार डालेगा, और तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। आप खुद को डॉक्टर को दिखाइए सर, आपको प्रॉब्लम है। हाँ है तो? वैसे तुम्हारा ये डिपार्टमेंट बरसों से मूर्खों से भरा पड़ा है।
अच्छा सुनो, अमित से कहना कि ये कोई वैश्या का घर नहीं जहां किसी को वो मोल तोल करने भेजेगा। उससे खुद आने के लिए कहना, उसके बाद सोचूंगा मैं। अब दफा हो जाओ। वो एक तूफानी रात थी, असंख्य नक्षत्र वाली रात। घबरा कर उठ रहे थे, मौसम शुरू हो रहा है, यही घर। हाँ, वो तूफानी रात थी, बहुत ही तूफानी रात। ये साइंटिस्ट का आशीर्वाद है, ये दो साइंटिस्ट का आशीर्वाद है। बिकॉज टुमारो सोल विल सेट सेल, इट इज टाइम टू से फ्यू वर्ड्स। यस, बिकॉज टुमारो सोल विल सेट सेल। थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, बाकी का कल ले जाऊंगी, और चाबी गार्ड के पास रखी है। ए महान जीवन, तुम्हें बार कविता नहीं बननी है, कठोर अपरिष्कृत गद्य लाओ, छंद लय और अलंकार को धुल जाने दो। गद्य का कठोर हथौड़ा पीटना, कोमल काव्यात्मक शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। कविता, मैंने तुम्हें आज से छुट्टी दी, इस पृथ्वी में अब गुरुत्व नहीं है। पूर्णिमा का चांद जैसे जली हुई रोटी है। যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে। যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে। আমার চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো, আমার চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো। যেটুকু রোদ ছিল লুকোনো মেঘ, দিয়ে বুনি তোমার শালে ভালোবাসা। আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো, আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো। তাকিয়ে থাকি হাজার ভরতা ওড়া বিকে, শহর দুমড়ে মুচড়ে থাকুক অন্যদিকে। ট্রাফিকের ক্যাকোফোনি আমাদের স্বপ্ন চুষে খায়। যেভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত, নতুন আলুর খোসার এই ভালোবাসা। যেভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত, নতুন আলুর খোসার এই ভালোবাসা। আমার দেয়াল গলি কাটায় তুমি লেগে আছো, আমার দেয়াল গলি পাশে আবার সন্ধ্যের বেলা ফিরে যাওয়া।
ভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত নতুন আলুর খোসারে ভালোবাসা আমার দেয়াল ঘড়ি কাটায় তুমি লেগে আছো আমার দেয়াল ঘড়ি কাটায় তুমি লেগে আছো যে কাটা দিন তুমি ছিলে পাশে কেটেছিল চোখে ছোটে গালে তুমি লেগে আছো আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো তোমার চোখে ছোটে গালে আমি লেগে আছি তোমার আঙুল হাতে কাঁধে আমি লেগে আছি আমার চোখে ছোটে গালে তুমি লেগে আছো আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো उसने एग्जैक्ट क्या बोला था ये बताओ उसने बोला कि मतलब उन्होंने ये बोला कि आपको जाना पड़ेगा तब वो कुछ सोच के बताएंगे ठीक ऐसे ही बोला था हाँ हाँ लगभग ऐसे ही बेकार की बात है वो अपने बाप के साथ भी इतने अच्छे से बात नहीं करता मुद्दे की बात ये है कि आप जा रहे हैं कि नहीं क्या आप जा रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर थैंक यू मिलॉर्ड ठीक है जब आपने देखा कि मल्टी हालदार कोई भी बात नहीं सुन रहा है तो उसके बाद आपने क्या किया फिर मैंने प्यार से उसे एक किस किया सर ऑर्डर ऑर्डर वही आपके प्यार का नमूना हमने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख लिया है और आपके दोस्त और सहकर्मी अमित कुमार श्रीवास्तव के बयान के अनुसार यह घटना आपके जीवन में नई नहीं है आपने बार बार अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया है और आपने अपने हिंसा का परिचय क्या मैंने कोई मजाक वाली बात की है सॉरी सर अजीब बातें करते हैं आप सभी तो क्या अगर आपका जमादार आपका पैखाना साफ करेगा तो आप उससे पूछेंगे कि फेनाइल में बहुत ज्यादा जहर था मुझे और कुछ नहीं कहना है मिलोर यह बात समझ में आ रही है कि प्रवीर राज के खिलाफ आई हर एक शिकायत सच है उनके मन में जरा सा भी खेद नहीं है कि कोर्ट नहीं सीधा साफ हिसाब मिलोर यह सच है कि मैं क्रिमिनल से घृणा करता हूं और उन्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और आगे भी बहुत कुछ खो सकता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता मिलॉर्ड मैं मिस्टर राय चौधरी के बचाव वकील होने के नाते मैं उनके लिए आपसे अस्थाई पागलपन की अर्जी करता हूँ ए पागल हरामजादा तेरा बाप पागल होगा मुझे पागल बोल रहा है तू हटा जाने दो मुझे तेरे पास मैं बताता हूँ तू है पागल प्रस्तुत किए गए सारे प्रमाण को देखते हुए ये अदालत आरोपी को पुलिस टॉर्चर का दोषी ठहराती है जिससे उसकी हिफाजत में कैदी की मौत हो गई धारा 330, 331 और 302 के अनुसार उन्हें पुलिस फोर्स से पूरी तरह से निलंबित किया जाता है जो कि तत्काल प्रभावी होगा हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए
और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से इनके पागलपन की दलील को देखते हुए इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बदले अदालत कोई सूचना आने तक उन्हें राज्य के मानसिक चिकित्सालय में रहने का आदेश देती है। बैड न्यूज़ सर। हेलो अभिजीत सर, किला पोएट फिर से एक्टिव हो गया है। बालीगंज फुट ब्रिज के ऊपर एक भिखारी महिला का स्टोनमैन स्टाइल में पत्थर से सर फोड़ दिया है। उसके पास भी एक पोएम मिली है। सर मैं निकल रहा हूँ, आप आइए। ठीक है, हम जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। और सुनो, हाँ वो शाम के समय थोड़ा फ्री रहना। क्यों सर? पुराने एक दोस्त के साथ रीयूनियन है। फिर से झगड़ा? सुन तो रही हूँ, कह रही है इस बार स्थिति गंभीर है। हो तो अच्छा है, ये सब रोज रोज के पुलिस दामाद के झमेले मुझे एकदम पसंद नहीं। एक बात बोलूं, आप प्रपोज कर ही दो। चांस पे डांस कह रही हैं आप? एकदम। मुझे ना तुम लोगों का ये नाटक समझ ही नहीं आता। बचपन से एक साथ बड़े हुए हो, सारा दिन इसी घर में पड़े रहते हो, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? ए, ऐसे सो क्यों रही हो? उठो और काम करो। छोड़ना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और एक साथ ज्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, उल्टी आ रही है। वैसे माँ क्या कह रही थी? बोल रही थी कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए। उफ, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। प्यार, शादी, हनीमून, बच्चा, मतलब इसी का नाम जिंदगी है क्या? झगड़ा हुआ है? नहीं, अब ये सब बात करके कोई मतलब नहीं। भगवान, तुम लोग थकते नहीं हो क्या? पिछले 8 महीनों में ये 5वां है। छोड़ो ना, आपस में सुलझा लो। अभिजीत वैसे अच्छा बंदा है, माना कि सेकंड बेस्ट है तुम्हारी लाइफ में, पर अच्छा तो है। मारूंगी तो जोर से लगेगा। अरे नहीं, सच में तू देख, वो बंदा सच में शादी के लिए अच्छा है। हाँ थोड़ा सा ढीला है, रूखा है, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन करेगा भी क्या? हर वक्त अगर चोर और गुंडों के साथ रहेगा तो बेचारा कर भी क्या सकता है ना? ए, उसके बारे में कोई भी बकवास मत करना। आई बेड़ी, झगड़ा तो सिर्फ नाम का है तुम्हारा। अरे यार, कितना इरिटेटिंग है तू। थैंक यू। मुझे कुछ देर के लिए लड़कों से दूर रहना है। हे अमू, सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आता है? मतलब? नहीं, मैं तो तुमसे दूर नहीं जा सकता ना, आखिरकार मर जो। बदमाश, घर के कहीं के। एनीवे, तुम चिंता मत करो, तुम इससे बाहर हो, क्योंकि हमारी दोस्ती इस सबसे ऊपर है। मतलब तुम कह रही हो जैसे कवि चंडीदास जी ने कहा था, उस फूल की तरह जिसकी खुशबू नशीली नहीं है। बिंगो, ओनली मन नो हार्मोन। किसे बेवकूफ बना रही हो? 31 दिसंबर को किए हुए किसको तुम भूल गई क्या? और बारिश के मौसम में तुम्हारे बारांदे में बिताया हुआ समय। बकवास मत करो, तुम ही मेरे ऊपर आकर कूदे थे। मैं? वो भी इतनी सी उम्र में गांजा और शराब पीकर। एक सेकंड मेरी बात सुनो। जांच पड़ताल कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमें इसका समाधान मिल जाएगा। सामान्य नागरिक के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझे जाना होगा। सुनो, मैं रिसर्च का काम तुम्हें दे रही हूँ, तुम इन एपिसोड्स का ध्यान रख लेना, ठीक है? 13वें एपिसोड का काम मैं कर लेती हूँ, हटो। इसे लेकर ये 5वां कत्ल है और लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमने अभी सुना कि कोलकाता पुलिस का क्या कहना है। अब देखना ये है कि कोलकाता पुलिस एक के बाद एक होने वाले हत्याकांड का खुलासा कर पाएगी। कैमरामैन पार्थ साथी के साथ मैं हूँ पुरुषोत्तम पंडित, स्टार आनंद, कोलकाता। हाँ सर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, यहाँ वो यहाँ पे आ चुके हुए हैं ना, अभी सबको इन्वेस्टिगेशन है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है, मैं उससे बात कर, हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ सर, एम्बुलेंस आ चुकी है।
चाहिए तुम्हें? क्या क्या कर रहे हो तुम? देखा नहीं तुमने कि मैंने सब हवा में उड़ा दिया? अक्षरमाला, मेरी कविता। मन दुखी है इसलिए गंगा पार आया हूं ताजी हवा खाने। तू भी यहां गंगा की हवा है, मैं भी सेम पिंच। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब और क्या? उन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, ये सब खारिज कर दिया। बोला कविताओं में कुछ नया नहीं है। क्या बकवास करते हैं, ये कोई जासूसी कहानी है क्या? ये कविता है। सुनकर इतना दिमाग खराब हुआ कि के? मतलब ये वो कुछ नहीं, पर कुछ किताबें उन्हें बहुत पसंद आई हैं। मेरी किताबें एक दिन जरूर प्रकाशित होंगी। और कौन ये किताब छापेगा पता है तुम्हें? प्रूफ कौन देखेगा जानते हो? कौन? रविंद्रनाथ। ये तो बहुत अच्छा है, तुझे एक दिन नोबेल मिलेगा, देख लेना। और तू वो चुराएगा है ना, सही बोला? खैर सुन, जो कविताएं उन्हें पसंद आई थी उनमें से एक पढ़कर तुझे सुनाता हूं, सुनेगा? हाँ सुना। अश्लील साहित्य रचना और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र, यही था आरोप। हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया था छह कवियों को, साथ दिया था अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों ने, माथे पर घूंघट डालकर मुस्कुराई थी विक्टोरियन नैतिकता, जल्लाद के उल्लास मंच पर डिस्को नाचा मैकाले के कमीने बच्चों ने। उसके बाद बीत गए 50 वर्ष, सबसे बड़े लोकतंत्र का बिगुल बजाकर लाल पीले केसरिया और हरे रंग जोर जोर से चीखते और गुर्राते हैं, ये आम लोगों के लिए है। जैसे ही नुकीले दांत आपस में टकराते हैं कागजी बाघ दिखाई देते हैं, लाल फीते शाही से फंदे बनाते हुए और लाल धरती की भूमि में रानी द्रौपदी गाती है और पूरा दिन मेहनत करती है और गाना गाती है। आइए। आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। अरे अमित कुमार श्रीवास्तव जी आए हैं। कैसे हैं आप? अच्छा हो। और तुम? वैसे ही जैसे पिछली बार तुमने देखा था, बेरोजगार, बेकार और अकेला। देख, पुराने जख्मों को कुरेदने का फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम काम पे चर्चा करें? काम? बड़े लंबे समय के बाद सुना ये शब्द, काम। जानते हो अमित, मैंने सालों से बरामदे के चारों ओर पर्दे लटका कर रखे हैं। मैं दोपहर में वहां अक्सर बैठा करता हूं और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी मुझे देखकर कहें कि प्रेसिडेंट मेडल पाने वाला एक पुलिस ऑफिसर घर पे बैठा है क्योंकि वो पागल हो गया है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इस केस को लो, मतलब ज्वाइन करो एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स। हाँ
तुम सच में ये चाहते हो? और तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या चाहता है? समझ लो मैं ही डिपार्टमेंट हूं। वाह, बड़ी तरक्की कर लिया। तो अभिजीत, आज थोड़ी विस्की पियोगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता, ड्यूटी पर। नो आइस, नो सोडा, जस्ट वाटर, 2:1। चीयर्स। सीरियल किलर की बात करें तो अभी मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, रफीक अहमद। लेकिन कुछ दिन उसे यहां रखने के बाद तिहाड़ में ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि आप उसका इंटरव्यू ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। क्यों? वो 18 सालों से जेल में ही है और उसने इस दौरान शायद ही कभी किसी से कोई बातचीत की होगी। क्या तिहाड़ जाकर मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? पर्सनल रिस्क पर मैं इसकी व्यवस्था तो कर सकता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके बारे में ठीक से पता कीजिए। उसकी फाइल देखिए, इसमें प्रीलिम एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी है। प्रीलिम मतलब? प्रीलिमिनरी, शॉर्टकट। बात करके जो समय बचाते हो उसे बुद्धिमानी से खर्च भी करते हो ना? मैं कोशिश करता हूं सर। देखते हैं फिर। तो फिर मान के चलो कि तुम इस केस को ज्वाइन कर रहे हो। कनाई, कनाई, ओहो, उसकी तो आज छुट्टी है, एक ही तो है वो, हफ्ते में 2 दिन आता है 1 घंटे के लिए। अच्छा अभिजीत, तुम्हारे ईशान दिशा में रखा सूटकेस ले आओ। तो छोटा लग रहा है ना? कैसा दिख रहा हूं मैं? थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। कैन यू प्लीज हेल्प मी? तुम नहीं। नंबर 1, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा अपने सिवा। रूल नंबर 2, मेरा डिसीजन फाइनल होगा। रूल नंबर 3, मुझे अपने आने जाने के लिए एक पुलिस की जीप चाहिए होगी। रूल नंबर 4, मुझे डिपार्टमेंट में बैठने के लिए एक अलग कमरा भी चाहिए। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट के पास कोई वेलकम बैक। ये किसकी फाइल है? पिछले 18 सालों में रफीक का सिर्फ एक ही दोस्त बन पाया यहां पे, और रफीक सिर्फ उसी से बात करता है। वैसे वो भी एक अपराधी ही था। क्या इसने भी खून किया है? वैसे सीधे तौर पर तो नहीं। 1997 में पुस्तक मेले में जो आग लगी थी ना, वो आग इसकी वजह से लगी थी, ये बाद में साबित हुआ। लगभग 1,00,000 किताबें वहां पे जल गई थी और भगदड़ में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। कितना अजीब आदमी है।
उसने दावा किया था कि वो कवि था और अपने कबूलनामे में उसने कहा कि वो किसी आंदोलन में शामिल था। इंटरेस्टिंग केस। निबारण चक्रवर्ती। हे महाजीवन, अब और कविता की जरूरत नहीं है। कठिन भाग्य की हथौड़ी लेकर आओ। जीवन को अब मधुर झनकार की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ की हथौड़ी से जीवन के पत्थर को अब तराशना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक सरल कविता नहीं होती है। इस भूखी दुनिया को कथा साहित्य से सुसज्जित पूर्णिमा की आवश्यकता नहीं है। माल सुकांतो ने लिखी है ये। कवि सुकांतो, माल नहीं। हाँ वही, बेरोजगार, समाज को योगदान ना करने वाले, कागज समय पर बात करने वाले। एनीवे, हमें उसकी कुछ किताबें लाइब्रेरी से ढूंढनी होंगी, डिटेल में स्टडी करना होगा। साला कमरे में एसी भी नहीं दे पाए। क्या मतलब है, कठोर हथौड़ी से भूखी दुनिया पर वार किया है, एक विशाल पत्थर में अनुवादित सिर पर वार किया। और वो पूर्णिमा की रात थी। प्रॉब्लम यह है कि उसने जो जगह चुनी है वो पूरे शहर में फैली हुई है। मतलब एक रेडियस लेकर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्या उन जगहों को कनेक्ट कर सकते हो तुम? दमदम, हरकटा लेन, केवड़ा तला महाशमशान, गार्डन रिच, बालीगंज, ये एक बड़े एरिया को कवर करता है। विक्टिम्स में दो महिलाएं और तीन पुरुष हैं, इसका मतलब सेक्सुअल एंगल का भी कोई मतलब नहीं, बस एक पैटर्न है। ये तो पक्का है, विक्टिम के साथ एक कविता का जोड़। एक सिमिलैरिटी है, कविता की पंक्ति और मारने के तरीके के बीच एक कनेक्शन है। और हाँ, वो जिन कवियों की कविता लिखता है वो सब मर चुके हैं। लेकिन ये सबूत हमारे लिए काफी नहीं है। संभावित शिकार और अगर कविताओं की बात करें तो ये दोनों का पैटर्न बिल्कुल मैच नहीं होता है। मैं समझा नहीं। अगर कविता को मान लिया जाए कि हत्यारा रिपीट नहीं करता है, अच्छा वो किन किन कवियों की कविता है इसमें? जीवनंदो दास, शक्ति चट्टोपाध्याय, सुकुमार राय, सुकांतो भट्टाचार्य, विनय मजुमदार। अगर इनको छोड़ भी दिया जाए तो मर चुके बंगाली कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और फिर उनकी लिखी हुई कविताओं का हिसाब। खूनी अगर मारवाड़ी या पंजाबी होता तो अच्छा होता। क्या आपकी राय हमेशा इसी तरह रीजनल होती है? रीजनल नहीं, बल्कि फैक्ट के आधार पर। एनीवेज, ये एक और पैटर्न है जिसे शायद तुमने अनदेखा कर दिया है। और वो क्या है? सारे विक्टिम हमारे समाज के निचले पायदान से हैं, और ये प्रोफाइलिंग सुसाइड स्क्वाड के निर्माण में हेल्प करेगी। सुसाइड स्क्वाड मतलब? ये भगवान, साले हर जगह इलिटरेट भरे हैं। सीरियल किलर का मामला हल कर रहे हैं और सुसाइड स्क्वाड मालूम नहीं? नहीं, पर जानना चाहता हूं। बताएंगे आप? हाँ, क्योंकि मैंने स्कूल खोला है तो मुझे पढ़ाना ही होगा। शेर का शिकार करने के लिए चारे की जरूरत होती है, जानते हो? किस पे भी बोलोगे, सर मैंने तो शेर का शिकार ही नहीं किया। मुझे शिकार का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। आखिर समझ गए? क्या समझे? हमें कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर सिलेक्ट करने होंगे जो खुद ही विक्टिम की तरह दिखते हैं, फिर उन्हें पूरे शहर में फैला देना है, बस उतना ही। क्या बात है, तुम्हें तो इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। चलो अब ढूंढो उन्हें। ऐसी सैलरी में तो कमजोर दिमाग वाले ही मिलेंगे ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। चलो। अच्छा सुनो, इसके अलावा हमें खोचोर चाहिए। खोचोर? खोचोर तो समझते हो ना कि मुझे एजेंट या कुछ और समझाना पड़ेगा तुम्हें। मुझे पता है सर, मेरे पास कुछ लोग हैं। वो उनसे कुछ काम नहीं होगा, हमें एक परफेक्ट आदमी चाहिए, उसके लिए बात करेंगे। सोनागाछी में एक ब्रोकर है, अच्छा है वो, और एक पॉकेट मार भी, वो एक बेहतरीन कलाकार है। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछ सकते हो। आप अपराधियों से नफरत करते हैं, है ना? फिर आप उनसे अपने लिए काम क्यों करवाते हैं? सुनो बच्चे,
देखा जाए तो हम सभी दलाल हैं, कुछ मंत्री के दलाल, कुछ भगवान के दलाल और तुम कानून के। इस हिसाब से महिलाओं के दलाल भी ठीक ही हैं। कम से कम वो पाखंडी तो नहीं। बेचारा वो रतन, वो पॉकेट मारता है। लेकिन उन लोगों को क्या कहोगे जो विचारधारा के नाम पे देश का शोषण करते हैं? बोलो तो। क्या वो यही रहता है? तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? जेल से निकला कैदी किसी बंगलों में रहेगा? मैंने ऐसा कहा क्या? देखो, मुझे नहीं लगता कि दुकानदार ने इतनी दूर आने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सुंदर लड़की जो बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, तुम्हारा ध्यान वहीं पर था। सुनो जान, शादी के बाद भी तुम इतनी ही पॉजिटिव रहोगी क्या? गेट लॉस्ट, मुझे लगता है यही है। बहुत बदल गया है ना? कैसे, सब एक जैसे ही तो हैं? कुछ लोग कान में रुई डालकर सो रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई जान भी नहीं पा रहा है। अभिजीत को देख के क्या लग रहा है? एनी प्रोग्रेस इन द केस? बेसिक कुछ सेटअप सजाए हैं। एरिया पेट्रोलिंग सुसाइड स्क्वाड। अगर घर में बैठकर केस सॉल्व हुआ करता तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं, घोड़ा वहां है। मतलब कि माइंड गेम बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। खूनी के दिमाग में घुसकर देखना होगा कि वो आखिर खून क्यों कर रहा है, तभी समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है और वो कब होने वाला है। चेक। तुमसे एक बात पूछूं? एक क्यों, अनेक पूछो। तुम जानते हो ये मुझे पसंद है। तुम क्या आज भी मुझे उस घटना के लिए जिम्मेदार समझते हो? नहीं, पहले समझता था, बाद में सोचा कि भले इसमें दुख होता हो लेकिन पुलिस की ड्यूटी में ये आम बात है। जरा मेरी किस्मत तो देख, जब तू ड्यूटी पर नहीं होता था तो मुझे तेरी जगह काम करना पड़ता था। पता है ना तुझे? देख, मैं मतलब मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो लोग बहुत डेंजरस हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जानता हूं, उन्होंने किया। चेक और मेट। घर में कोई है? सॉरी, वो हम लोग निवारण चक्रवर्ती से मिलना चाहते थे। ये उनका ही घर है। किस लिए? हम चैनल से आए हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ पूछना था। टीवी चैनल जी? आइए 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 आइए। चलो आ जाओ। हेलो सर, हम लोग एक चैनल से आए हैं। बहुत जल्दी आ गए हैं, कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, हम अभी भी चीजों पर निर्णय ले रहे हैं। अरे क्या तुमने इन्हें नहीं बताया? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, वो हम तो देखो, पूरा होने के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये पुस्तक मेले में रिलीज हो रही है। रविंद्रनाथ ने वचन दिया है। रविंद्रनाथ वचन दिया है? सॉरी, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। आप किस बारे में बात कर रहे थे? मेरी कविताओं की किताब। क्यों, आप यहाँ किस लिए आई हैं? वो हमें सॉरी एक्चुअली वो हमें एक आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, शायद आप उन्हें जानते हैं। और मेरी कविताएं, मेरी किताब,
क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि मैं सुनील गांगुली नहीं हूँ तो तुम मुझे अनदेखा करोगी? नहीं, बताओ मुझे, बताओ क्या बकवास है? नहीं नहीं, देखिए वो मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज सुनिए। अच्छा, क्या आपको यकीन है कि आपकी किताब इस साल के पुस्तक मेले में रिलीज हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो मेरा मतलब वो तो यही कह रहे हैं। ऐसे किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, हम यहां आपको इसी बारे में बताने आए हैं। इस वक्त आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, फिर वो रविंद्रनाथ हो या फिर नजरुल। हाँ मुझे पता है, 33 साल हो गए लेकिन किसी ने भी अपना वचन नहीं निभाया। आप लोग सही हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुअर कहीं के तुम लोग मेरी बुक रिलीज को कवर करना चाहते हो ना? देखो झूठ मत बोलना। नहीं नहीं वो सर, कॉन्ट्रैक्ट तो हम हमारे साथ ही लाए, पर एक कंडीशन है, एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? देखो मैं जो भी कविता पढ़ना चाहता हूं उसे पढ़ूंगा, तो फिर व्यक्तिगत अनुरोध मत करो। कृपया इसे एक बार पढ़ लें सर। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कैबरे नहीं करता, समझ गए? मैं एक कवि हूं। डेफिनेटली वो आपका डिसीजन है, पर इसके अलावा भी हमें आपकी एक मदद चाहिए। किस तरह की मदद? हमें आपके एक दोस्त के बारे में कुछ पूछना था, रफीक, रफीक आमिन। घर पर दूध नहीं है लेकिन चीनी है, क्या आपको अपनी चाय में चीनी पसंद है? ए बेवकूफ, मारूं एक थप्पड़ खींच के। पागल कहीं का, क्या मैंने तुझे जेब में हाथ डालने को नहीं कहा था? तुम सच में दिमाग से एकदम पैदल हो, जा घर जा, सुनाई नहीं देता तुझे, चल निकल यहाँ से। ए, सिर्फ हाथ चलाना, मुंह नहीं। नहीं, जब आप आ ही गए हैं सर तो मैं अब सतर्क रहूंगा। अगर तुम्हें किसी पर किसी तरह का संदेह हो तो उसकी सूचना इसे या मुझे दे देना, मेरा छात्र है, मुझसे सीख रहा है। तो आजकल क्या करते हो तुम? आप तो पहले से सब जानते हैं सर, हमेशा की तरह, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पास छात्र हैं, मैं उन्हें घर पर पढ़ाता हूँ। कुछ समझे अभिजीत, तुम्हें हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट ट्यूशन का महत्व पता है? अच्छा वैसे हमें उसे एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट करने की जरूरत है क्या? अगर तुम उसके नेटवर्क को जानते तो ऐसा नहीं कहते। जानते हो ये यहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हरामियों को जानता है। क्यों जोकर की तरह क्यों हंस रहा है तू? आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं सर, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ सर। जानता हूँ मैं। अच्छा सुनो, आज के लिए बस, बूढ़े हो रहे हो, काम में सावधानी रखना, तुम समझ गए ना? अगर पकड़े गए ना तुम तो बहुत पीटूंगा, समझ लेना। आप ये क्या कह रहे हैं सर, आप तो मेरे गॉडफादर हैं, लेकिन आज भी आपकी पिटाई मुझे आपके प्यार का भरोसा दिलाती है सर। कभी ना कहीं का। लेकिन मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ सर। ये तो मेरा है, ये तुम्हारे पास कैसे? शुरू में वो मुझसे बात नहीं करता था, फिर अचानक एक रात वो बात करने लगा। मैंने उसकी बातें सुननी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे मैं भी बोलना शुरू कर दिया। समय के साथ वो खुलने लगा। उन्होंने अपने बारे में क्या बताया? उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, बिल्कुल मेरी तरह। उनके पिता एक मौलवी थे, वो बहुत गरीब थे, उनके पिता उन्हें रोज मारते थे, उनका बचपन बहुत सारी विकृतियों से भरा हुआ था, बेचारा बच्चा कुछ नहीं कर पाता था। और फिर एक दिन उसने बहुत से लोगों को मार डाला। क्या अचानक?
अचानक। हाँ अचानक। वो एक अलग दुनिया का सपना देखता था, एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें उत्सव है, संगीत है। उनको मारकर सही किया उसने, उसमें सच बोलने का साहस था और विद्रोह करने की हिम्मत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या तुम में हिम्मत है? वो ठीक है, लेकिन आपने पुस्तक मेले में आग क्यों लगाई? इसके पीछे कौन सा धर्मयुद्ध था? तुम लोग यहां से चले जाओ, अगर चाय पी चुके हो तो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे रविंद्रनाथ को फोन भी करना है, समझे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को किसने भेजा है यहां? हमारे पास और क्या बचा है? सुसाइड स्क्वाड तैयार है। सुसाइड स्क्वाड के चेहरे मुझे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमारे एजेंट्स भी तैयार हैं, पुलिस की भी पोस्टिंग कर दी गई है। ये सब भूल जाओ, इस तरह तुम सीरियल किलर नहीं पकड़ पाओगे। अरे आखिर कब तक तुम अपनी कमियों को छिपा कर बैठे रहोगे? सॉल्यूशन तो बैठे बैठे ही मिल जाएगा। एक पैटर्न जो आगे की घटनाओं के बारे में बताते हैं, बस वो एक मैप। कविता की किताबों को पूरी तरह पढ़ने की जरूरत है अभिजीत। हाँ लेकिन हमारी तरफ से हम लोग इसके आगे तो बोलो। क्या हुआ? नहीं अब कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बेवकूफों की तरह हगला क्यों रहे हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? पीरियड चल रहा है क्या? रामू गाड़ी रोको। क्यों? गाड़ी मत रोकना, चलाते रहो रामू। रामू मेरी बात सुनो, गाड़ी रोको, मैंने कहा ना। तुम मेरी बात सुनोगे रामू, समझ गए ना? चलते रहो, तुम चलते रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। रामू तुम गाड़ी रोक रहे हो या नहीं? चलते रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, कमीने। देखो कमीने, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखो ये एटीट्यूड कहीं और दिखाना तुम। अभिजीत वापस आओ, इट्स माय ऑर्डर, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं, कल आके लेटर ले जाना। Oh,
আছি আমি করছি যে নিখোঁজ যেখানে ডাক পাঠালে মৃত দেহের ভিড়ে সেখানে তুলছি ছবি তুলছি নেশায় আসছি আবার ফিরে এই বুঝি ফাঁস কালো হাত আর কালো রাত করে সময় গেল আয়োজনে প্রত্যেক দিন ভয় পাওয়া সব ইচ্ছে গুলো অনেক ঝড়ের শব্দ শোনে আজ শেষ মেষ নেই তোর কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই আজ শেষ মেষ নেই তোর কেউ নেই কেউ নেই से वैसी बात क्यों की? वो तो अपने आप ही सब कुछ बता रहे थे ना। अब क्या करूं बता? बस मुंह से निकल गया। पर जो भी हो, वो बंदा किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। कंप्लीट क्रैक बॉय। पहले किताबों में आग लगाता है, फिर कहता है रविंद्रनाथ को कॉल करना है। पूरा हिला हुआ है। जो भी हो, अगले दिन और इन्फॉर्मेशन लानी होगी और रफीक के किलिंग मेथड्स का भी पता लगाना होगा। उसके बाद तिहाड़ जेल में फाइनल इंटरव्यू। और वो भी तब होगा जब रफीक साहब कुछ बोलेंगे। ये अगर निबारण चक्रवर्ती ही यहाँ पर खूनी होता तो केस थोड़ा आसान हो जाता ना। कोलकाता में ही इंटरव्यू करना पड़ता। सोच कर देखो, कवि प्लस सीरियल किलर, सारी बंगाली कितने खुश हो जाते। शट अप, ऐसे क्रिमिनल से मिलना है? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़ो, जिस लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ हमें वो करना चाहिए। एग्जैक्टली, और हम इस ग्रेवयार्ड में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ग्रेवी इशू की बात करनी थी। वेरी फनी। नो, आई एम डेड सीरियस। ओह, बस करोगे? ओके, काम की बात करते हैं। अमृता, मैंने डिसाइड किया है कि परसों में तुम्हें प्रपोज करूंगा। क्या? क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। देखो, पहले ही बता दिया ताकि तुम तैयार रहो। अब टिपिकल लड़कियों वाले रिएक्शन मत देना। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना, ठीक है? और ये पागलों जैसे हंसे क्यों जा रही हो? हाँ, बोलूंगी तो तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। सुनिए, क्या नाम है? हम लोग प्रेस वाले हैं। एक मिनट, सूरज सिन्हा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? That's none of your business. रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या बोला? क्या बोला इसने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अपने काम से काम रखिए। अच्छा, तुम्हें कहा था मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। उनसे क्या जरूरत थी? चलो थोड़ा थाने के दर्शन करा दें। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए आप। Don't touch him. कन्हाई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खटखटाए मत। क्या चाहिए? सस्पेंशन ऑर्डर रेडी है तुम्हारा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत पे अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने बहुत से गधों को पीट पीट करके सीधा किया है, समझे ना अभिजीत? तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे से उलझकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ, इंडिया गेट की तरह खड़े क्यों हो? कुछ बोलोगे? मुझे थोड़ी विस्की मिलेगी। हम लोग रोमांस करने गए थे, आपको कोई दिक्कत है इससे? चुप रहो। हाँ, दिक्कत है।
इस समय वैसी जगहों पे बहुत गलत काम होते हैं, इसलिए हमें नजर रखनी पड़ती है। मिस्टर, बैठकर बात करना तो क्या, पब्लिकली अगर हम किस भी करें तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। आई होप यू नो दैट। हाँ, लेकिन पुलिस के ऊपर हाथ उठाना भी तो अपराध है ना, अकॉर्डिंग टू IPC। आई होप यू नो दैट। नाम बताइए, कौन सा चैनल? अमृता मुखर्जी, टीवी बांग्ला। अमृता मु टीवी, आपको कहीं तो देखा है, कहां देखा बताइए तो। रोज रात को शराब, उसके बाद झगड़े, और उसके बाद हाथापाई। वैसे तो वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे, लेकिन पेट में दो पैक जाते ही बस, ये जो शराब है ना वो अच्छी चीज है। तुम्हारे पापा संभाल नहीं पाते तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारे भी नहीं हमारे भी नहीं। कंटिन्यू। तो जब वो चले गए तो मैं 14 साल का था। माँ अकेली रह गई थी उस घर में, और उसके बाद मैं कोलकाता चला आया। हॉस्टल, फिर नौकरी, उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अच्छा हुआ जो चले गए, सच में। एक साथ जानवरों जैसा रहने से अलग अलग इंसानों जैसा रहना अच्छा है। अरे सुनो, तुम किस साइज का ब्रा पहनते हो? बार बार लड़कियों जैसे रो क्यों रहे हो? सुनो, मुझे अपना दुखड़ा मत सुनाओ। मैंने अपने हाथों से बीबी बच्चे का अंतिम संस्कार किया है, और फिर अगले दिन सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था। एक बात तुम याद रखना कि तुम इस धरती पर सबसे लकी हो, तुमसे भी अनलकी कोई ना कोई है। देखना, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपका कोई नहीं है, मतलब कोई मतलब? औरत है ना, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सब एक साथ रहती हैं सोनागाछी में। फिर क्या, कोई लगाव नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस लेना और देना। तुम्हारी नहीं है गर्लफ्रेंड? हाँ है ना, मतलब थी। थी मतलब? झगड़ा हो गया, हम कुछ दिन थे साथ में, पर कुछ जमा नहीं। बाप को क्यों गाली दे रहे थे इतनी देर से? खुद क्या किए तुम? नहीं नहीं, उनकी तो शादी हुई थी, और हम लोग का तो अरे वही लिविन था। ऐसा? वो भी तो शादी है, गंधर्व विवाह कहते हैं। वेदों ने 8 तरीके के विवाह बताए हैं, समझे तुम?
अरेंज मैरिज ही केवल नहीं है, तुम लोगों का लिविन टिविन अमेरिका से नहीं आया है, युगों से चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि गंधर्व मत के हिसाब से हमारा डिवोर्स हो गया है। प्रचंड झगड़े के बीच में रोना धोना मारपीट ये तो होता ही है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता? क्या मतलब है प्यार करने का? शट अप। कल सुबह एक दर्जन गुलाब का फूल खरीदना, और गलती से भी कोई दूसरा फूल मत लेना, और उसके साथ एक कैडबरी की फ्रूट और नट जरूर ले लेना, भूलना मत। स्वीट चॉकलेट वॉकलेट दे के देखो, देखो फोन बज रहा है। हाँ अभिजीत, क्या तुम अभी आ सकते हो? क्यों, इतनी रात को क्या हो गया? कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आना पड़ा, वो सिमेट्री में दोनों ने थोड़ा बवाल किया था, साथ में एक लड़का भी है। तुम आते तो शायद केस जल्दी निपट जाता, और क्या। ठीक है, आ जाऊं। और सुनो ना, उस केस में कोई प्रोग्रेस हुआ? इसकी तो काट दिया, नो प्रॉब्लम। आ रहा है, तब तक चाय कॉफी और कुछ? ठीक हो ना? अगर दिक्कत हो तो यहीं रुक जाओ, मेरी बात सुनो तुम। कुछ नहीं हुआ है सर, ठीक है। सीधे खड़े रहो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। सुनो इसे संभालो, मुझे इसके घर के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं एकदम ठीक हूं। हम ले जाते हैं सर, हम जानते हैं। ठीक हूं, ओए रहने दे, मैं एकदम ठीक ही हूं सर, मैं एकदम ठीक हूं। चलो गाड़ी चाबी जा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। तुम भी बैठो। सुनो, तुम अमृता हो? जीवन में दाल चावल और बिरयानी के बीच में अंतर समझो। पहली जरूरत होती है, दूसरा शौक। संभल कर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? अरे चलो। जब पछती नहीं है तो इतना क्यों पीते हो? चलो आओ, मैं ठीक हूँ। खाली पेट में पीने की आदत नहीं ना, इसीलिए। सुसाइड कैंसिल करना पड़ेगा, और परसों का प्रपोजल भी पोस्टपोन। अगर 20 साल बाद तुम फिर से सिंगल हो गई तो फिर ट्राई करूंगा। शाम को झगड़ा होगा, हो जाएंगे वो अलग, हफ्ते हफ्ते बातें होंगी बंद, और फिर अचानक रात में होगा मिलन। पगली तेरे साथ में ब्रह्मचारी जिंदगी गुजारूंगा, पगली तेरे साथ में पूरी जिंदगी गुजारूंगा। जय गोस्वामी। विष्णु देव के पास ज्ञान सीखे।
1970 मुक्ति युद्ध के साल। वाह, बड़ी अच्छी याददाश्त है। अच्छा ये बताओ, बांग्ला कविता में हंगरी लिस्ट मूवमेंट कैसे जुड़ा भला? पता है, इतिहास में 1960 में शुरू हुआ ये हंगरियलिस्ट या हंगरी जनरेशन मूवमेंट, इसके प्रतिपादक है मलय राय चौधरी, समीर राय चौधरी, त्रिदीप मित्र, सुबिमल घोष, शैलेश्वर घोष और भी कई सारे कवि। इनकी कविता एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत जोर देती है, बहुत ही कठिन, डार्क, स्ट्रॉन्ग, करप्शन और सिस्टम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा वाली कविताएं। इनकी बहुत सारी कविताएं बैन कर दी गई अश्लीलता के नाम पर। स्टेट ने इनके खिलाफ कुछ केस दर्ज किए, यहाँ तक कि कुछ परिचित लोग भी गवाही देने गए थे। सर आपका ऑर्डर? हाँ, एक कॉफी। दो लाना। ओके सर। आप कॉफी पी रहे हैं? पोएट्री ऑफ केओस एंड डेथ। जीवन दास कैसे और कब मरे थे पता है? ट्राम से टकराकर। साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1955 या 56 रहा होगा। और महीना जहां तक याद आ रहा है, अक्टूबर, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। साला कल ही पढ़ा लेकिन एक बार भी दिमाग में नहीं आया। दूसरा खून बॉडी के पास जो कविता पड़ी थी। एक मिनट, इसका मतलब बाकी के खून। तुम्हारे फोन में इंटरनेट है ना? नहीं, ऑफिस चलते हैं। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपने पीछे देखो। अच्छा, डेट और कवियों के नाम बोलो जिसका उसने इस्तेमाल किया था। 10 सितंबर सुकुमार राय, 22 अक्टूबर तो हो गया, 11 दिसंबर विनय मजूमदार, 23 मार्च शक्ति चट्टोपाध्याय और रुको। सुकुमार राय, 10 सितंबर, मृत्यु 1923। अब ठीक है, रुकिए बाकियों का कंफर्म करता हूँ। 11 दिसंबर विनय, 11 दिसंबर विनय, 23 मार्च शक्ति और 13 मई सुकांतो, है ना? मिलेगा, मिलना ही चाहिए। अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा अभिजीत। और ये मिल गया कंफर्म। अब तुम कवियों के डेथ को मार्क करो, उन सभी बांग्ला कवियों के डेथ को मार्क करो जिनकी पुण्यतिथि 13 मई के बाद होती है। इसके बाद किसकी मौत हुई थी, मतलब नेक्स्ट कौन होगा? हाँ देखिए, रविंद्रनाथ है, इसके अलावा नजरुल भी है, नजरुल भी अगस्त में, इसके बाद विष्णुदेव तो दिसंबर में, बहुत देर है। अरे रुको, मैं तो इसे छोड़ ही रहा था। किसे? 29 जून, माइकल मधुसूदन दत्त। छाप नहीं सकोगे? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं तुमसे कितनी बार मिल चुका हूं, तुमने मुझसे वादा किया था। रुको एक मिनट। ऑप्शन? ये कौन तय करेगा? तुम कल के लड़के, तुम क्या जानोगे कविता क्या होती है? छंद मिला कर तो आजकल लोग कविताएं लिखते हैं। हेलो, ये साला अभिजीत का बच्चा। सुनो, मैं चलती हूँ।
जाना जरूरी है क्या? बहुत। माँ को बोला था आने में देर हो जाएगी, लेकिन खाना घर में खाऊंगी, और यही एक वो सवाल है जो वो हमेशा करती है, तो इसीलिए। अच्छा, अब आंटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारी नौकरी ऐसी है ना, तो इसीलिए वो डरती हैं, और उन्हें ये भी पता है कि मैं अभी तुम्हारे ही घर में हूँ। उन्हें बस थोड़ा टाइम दो, एक साल में 5 बार ब्रेकअप हुआ है हमारा, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज है। सच कहूं तो इस बार मैं बहुत डर गया था। सूरज के साथ तुमने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं ना? अब तुम जलो मत, बिल्कुल बिताए हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और साथ में कलीग भी। और इसके अलावा वो तुम्हारे ऊपर लट्टू था। शट अप, बेकार बातें बंद करोगे तो मैं तुम्हें एक ढिंग चैंग न्यूज़ दूंगी। ढिंग चैंग करके हिंदी में कोई शब्द ही नहीं होता। अगर तुम्हारी ये बकवास हो गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। मैं और सूरज वो चैनल के प्रोग्राम के लिए झुग्गियों में गए थे ना। हाँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है। तुम बताओ तो। हाँ, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ सर, बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया, कह रहा है कि उसका नाम रतन है। भेज दो। ओके सर। चलो फिर तुम काम करो, मैं घर जाता हूँ। आओ। आ जाओ सर। वो खलासी टोला में मेरे एक खबरी ने मुझे ये खबर दी है, उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये आपके केस में मदद करेगा। ये बहुत डरा हुआ है, आना ही नहीं चाहता था, मैं इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं देखता हूँ। अरे यार, इतनी रात को किससे बात कर रहा है, समझ नहीं आता। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? चलो फाइनली रिंग तो गई। हेलो, हाँ प्रबीर सर, अभिजीत बोल रहा हूँ, सॉरी इतनी रात को। गवाह मतलब? नहीं नहीं, मैं भी कब से ट्राई ही कर रहा था, एंगेज जा रहा था। प्रबीर सर, लगता है वो आदमी हमें मिल गया है, मैं वहाँ आकर आपको सब बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ तुरंत। अभी कहाँ जा रहे हो? भैया जी, पहले ऐसे नहीं थे, मतलब वो इतना पागलपन नहीं किया करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो रात को घर से बाहर जाया करते हैं, और पता नहीं किसको फोन करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं बाजार से घर आया तो मैंने देखा कि घर में सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी थी, और जमीन पे लेटे थे और रो रहे थे, और कह रहे थे कोई उनका बुक छापने से मना कर रहा है तो मैं उसे मार दूंगा। फिर बोल रहे थे कि मैं खुद को ही मार दूंगा। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहीं पर सोता हूँ ना, तो अगर मुझे नहीं नहीं रुको मार दिया तो हा? वो किसे मारेंगे और किसे फोन करते थे? मैं वो नाम वाम तो नहीं जानता सर, लेकिन बीच बीच में एक नाम लिया करते थे, रविंद्रनाथ। हाँ, वही रविंद्रनाथ। अच्छा, तुम्हारे मालिक किस साल में जेल गए थे? वो तो बहुत साल। कौन से साल में? 15 साल हुए होंगे, लेकिन तभी तो वो बिल्कुल ठीक थे, कोई पागलपन नहीं था। अभिजीत, उसकी फाइल निकालो और निवारण चक्रवर्ती के बारे में जो भी पता चल सके पता लगाओ, पुराने स्टोर रूम में मिल जाएगी। मुझे याद आ रहा है कि ये केस मेरे ही अंडर में था। स्वपन, कल या परसों में मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में? अरे इसी सिचुएशन को तो हमें समझना है, वरना तुम्हारे मालिक का पागलपन रुक नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग वेश बदल कर जाएंगे, डरो नहीं। मुझे नहीं लगता है कि 29 जून के पहले तुम्हारे मालिक को पागलपन का दौरा पड़ेगा। क्यों? परसों सुबह 10 बजे। देखिए, हम लोग एक पत्रिका से आए हैं। हाँ, वो
हम हिंदी कविता के इतिहास को लेकर एक विशेष जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाएगी तो बढ़िया होगा। वो बात ये है कि इस विषय में आपका ज्ञान असीमित है, तो तुम्हारे जैसे दो और आए थे एक दिन, तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि हिंदी कविता में हंगरी जनरेशन की कविता या हंगरीलियस्ट मूवमेंट असफल क्यों रही? कौन कहता है ये असफल रहा, तुम या वो? नहीं, लेकिन 1965 में अच्छी तरह से समझ लो बच्चे, आंदोलन असफल नहीं था, बल्कि समाज विफल रहा, साहित्य भी विफल रहा। वो हमें समझने में असफल रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे सरलता से नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीके भी हैं। क्या ये सच है कि आपने पुस्तक मेले में आग लगाई थी क्योंकि आपकी पुस्तक को अश्लील सामग्री के कारण छापने से मना कर दिया गया? अगर वो डॉक्टर विनायक सेन को आजीवन कारावास दे सकते हैं तो मैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ, मैंने ये किया है, एक संक्रमित व्यवस्था है ये, यहाँ हर इंसान सड़ रहा है, इधर उधर लाशें घूम रही हैं। क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती? आती है, लेकिन उस दुर्गंध को दूर करने का काम पुलिस का है, कानून का है, कवियों का नहीं। कौन मूर्ख ऐसा कहता है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या हमें सब कुछ बर्दाश्त करते रहना है? हमारा बलात्कार होगा और हम लिखेंगे, हम चिल्लाएंगे, और अगर उससे सिस्टम को समस्या है तो हमें इसकी परवाह नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका ये विनाश का सिद्धांत लोकतंत्र में अपना कोई स्थान नहीं रखता है? लोकतंत्र? स्वपन, स्वपन, लोकतंत्र क्या होती है? लोकतंत्र क्या होती है? वोट जो हम अगले महीने देंगे। क्या समझे? इस देश की 80% जनसंख्या के लिए लोकतंत्र का मतलब बस वोट देने का अधिकार है, अन्य सभी अधिकार आपके नियंत्रण में हैं। अगर मुझे लिखने से रोका जाएगा तो मैं अपने तरीके से इसका बदला लूंगा। अगर मेरी कलम का गला घोंट दिया जाएगा तो मैं भी सबका गला घोंट दूंगा। कोई पछतावा नहीं? नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने ये किया, ये मेरे विद्रोह करने का तरीका है। अगर आप रोक सके तो रोके। इसका मतलब यहां से दफा हो जाओ। चलो चलो, जाओ जाओ, मुझे अब अंधेरा चाहिए। आसमान पर घना अंधेरा छा जाता है, प्रकाश जैसा दिखने वाला रहस्यमय अंधकार, उस औरत की तरह जिसे मैंने कभी नहीं देखा लेकिन जिसके चेहरे की सुंदरता की मैंने हमेशा प्रशंसा की है। वो अंधेरा बसंत के आकाश में और भी गहरा हो जाता है। कौन केस? नियलिज्म, एक गंदी बीमारी। पागल है, पूरी तरह से पागल है वो। पागलपन इस बात पे निर्भर करता है कि आप पागल खाने के किस तरफ रहते हैं, समझ गए ना? आप किसी अपराधी का बचाव कर रहे हैं क्या? ये तुमको लगता है, पर मैं उसे खत्म करने से पहले दो बार नहीं सोचूंगा। वो बीमार है और उसे मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य, लेकिन उस आदमी में कुछ बात तो थी। हमारे रास्ते में बस एक ही प्रॉब्लम है, इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कुछ काम नहीं आएगा। शायद हम जानते हैं कि वही खूनी है, लेकिन मुझे पता है, ऐसे में उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। 29 जून के लिए तैयार रहना, करो या मरो। चलो भाई। पोजीशन ले लो, आ चलो। संभाल के
हे लो ये चबाओ लो ना हाँ अंधकार छाया है पूरे आकाश में तुम एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री हो स्टेशन क्यों जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए चलो हाँ। मैं कहता हूं कि तुम रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा मैं रुक जाओ तुम इधर तुम यहां क्या कर रहे हो मेरे मालिक पागल हो गए हैं सर कुछ बुरा होने वाला है वो अपनी सारी कविताएं जला रहे हैं वो सब कुछ नष्ट कर देंगे मैं सच बता रहा हूँ वो पागलों जैसे बर्ताव कर रहे हैं बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए शिट अभिजीत हाँ। हमारे पास समय नहीं है जीप लेके आओ शायद वो हमारे हाथ से निकल गया है लानत है फिर से हाथ से निकल गया बिल्कुल सही थे ये हमारे हाथ से निकल गया सुसाइड ये केवल आत्महत्या नहीं उसने अपना संदेश छोड़ दिया है केस क्लोज्ड अभिजीत उसने अपना पैटर्न आखिरी हत्या में भी बरकरार रखा थोड़ा रुको मुसाफिर क्या मां बंगाल को अपने बेटे के लिए आप पर दावा करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी मां की एलिसियन गोद में विश्राम लेता है यहां लॉन्ग्स होम में भी ऐसा ही है धरती की छाती पर दत्तों के कवि मधुसूदन मधुर शाश्वत निद्रा का आनंद लेते हैं आमी काटा तारे सुखी एई कुआशाते उकी दिए
রাজি মিথে নিতে আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই এই সাবন ধুয়ে ফেলুকেই রাস্তা ধুল এই সাবন ভিজিয়ে দিক দীর্ঘ ছায়া গুলো এই সাবন নেভাকা গুনে ফুটপাথের রাত এই সাবন মনে পড়া পুরনো আঘাত জল জমেছে বুকের ভেতর রোদের অভাবে সময় এলে পড়বে চুয়ে নিজের স্বভাবে আমি কাটা তারে সুখী এই কুয়াশাতে উঁকি দিয়ে রাজি মিথে নিতে আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই এই সাবন নাম লেখা গাছের পাতার দলে পাতার দলে এই সাবন মিশল পুকুর ড্রেনের জলে এই সাবন বাক্স বন্দি কিছু ইচ্ছে আছে এই সাবন সাথে খুব আমার কাছে অবাদ যত্নে সামলে চলা উড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে ভাবলি কেন দুঃখ পাব দুঃখ আমার নয় আমি কাটা তারে কুয়াশাতে উঁকি দিয়ে রাজি মিথে নিতে আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু श्रावण महीने की 22 तारीख है रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि इस अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल ज्यादा कुछ नहीं चाय पियोगे नहीं नहीं जल्दी में हो मैडम का रेडी नहीं हुई हो रही है अभी भी अंदर ही है मेकअप के अंतिम पड़ाव पर है ओ शेतन का नाम लिया और क्या बात है पड़ोसी की बीवी की तरह सुंदर दिख रही हो शट अप कल रात का खाना फ्रिज में रखा हुआ है उसे गर्म करके खा लेना और लौटने में देर हो जाएगी मेरा शूट है और अब किसकी बारी बॉस्टन स्ट्रैंगलर कोबोर डांगा में सेट लगाया है तुम्हारा क्या प्लान है सर ने फोन किया था आज रात तुमसे मिल रहा हूँ देखते हैं वो कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है प्रबीर सर को हाय बोलना और रेन कोट ले लेना कभी भी बारिश हो सकती है याद रहा तो बिल्कुल लूंगा बाय बाय चले चलो सूरज देखो उसके साथ ज्यादा फ्लर्ट मत करना यार पागल नहीं हूं आखिरकार इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड है भाई मुझे अपनी जिंदगी की चिंता है साला हट जाओ जाओ यस तुम हो हाँ वाओ समय के बड़े पाबंद हो गए हो तुम बैठो मुझे 2 मिनट लगेंगे जी तुम्हारा अभी कोई पेमेंट बाकी है क्या नहीं साहब फरवरी महीने में सिर्फ 3 दिन ओवर टाइम ओह ठीक है मैं तुम्हें अभी देता हूँ भविष्य का किसको पता अच्छा तुम आरे लिखते हो कि आरो आरे सर आरे थैंक यू सर अच्छा तो अब मैं चलूं सर हाँ अच्छा सुनो
तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। अभिजीत, अभिजीत। हाँ। कोलकाता पुलिस में काम करते हैं, मेरा सहकर्मी है, छोटा भाई है। कम स्टूडेंट। होनहार विद्यार्थी है। और ये हैं रविंद्रनाथ मैत्र, ये अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, एक छोटी पत्रिका पब्लिश करते हैं, साथ में कवि भी हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे हेल्प भी करता है। सर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने किया सर। पुलिस का साथ देना तो आप हाँ, समझ हाँ, रहे हैं सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी। अच्छा एक बात बताइए, मार्केट में आपकी कोई पोएट्री बुक तो नहीं आ रही है? मेरी टांग खींच रहे हो तुम, मुझसे मार खाना चाहते हो क्या? लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस, लिटिल मैग और इन सब के साथ आप मेरे कुछ... साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो। मैं तुमको बता दूं कि दुनिया में कई ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे में अभी तुम बिल्कुल नहीं जानते। विस्की? नहीं, बॉनवीटा। मेरी एक्टिंग मुझी पर बढ़िया है। कनाई, कनाई, भूल जाइए उसे, वो आज भी नहीं आया होगा, मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। इसकी तो कुछ पीने के लिए ले आओ। हाँ? स्वपन, कनाई, होरेशियो के बारे में बताया था ना, ऐसे कई अजूबे हैं, चौंको मत, ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें पीते पीते सुनाऊंगा। नहीं नहीं, लेकिन ये आदमी कौन है, कनाई या स्वपन? बताता हूं, पहले ये बताओ कि इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा, कोई खास बात? क्या? हाँ, मतलब एक मतलब किसी चीज के कंक्लूजन पर जाने से पहले। अरे फिर वही किताबी ज्ञान। कुछ याद आया तुम्हें? नहीं कुछ खास नहीं। हाँ बस एक बात है, सब कुछ ठीक हो गया, मेरा मतलब बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की तरह, मतलब सही समय पर सही लोग आए, सही इन्फॉर्मेशन मिली, सही जगह पर भी गए, और मतलब कि एक भोली भाली बंगाली उपन्यास की पटकथा की तरह, सही कहा ना? हाँ कह सकते हैं। अच्छा एक बात और है, मतलब अगर आप परमिशन दे तो मैं कहूं। इरशाद, जब आपने केस हाथ में लिया था तब आपने कहा था कि आप लाइब्रेरी से हिंदी कविता पर कुछ किताबें लेकर आएंगे, मैं बस उन किताबों को पढ़ रहा था, केस के अनुसार देखा जाए तो सही पन्ने मोड़े गए हैं, उन्हें मार्क भी किया गया है, लेकिन ये तो नेचुरल है। अजीब बात है, सभी किताबें पब्लिश की गई है पिछले साल के मई महीने में, लेकिन आपने तो मामला इसी साल उठाया। शाबाश मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। आओ। तुम जाओ। चीयर्स। चीयर्स। अब क्या आप? बहुत हो गई कविता, अब तुम कहानी सुनो। एक बार एक सख्त निर्दयी आदमी था, बस उसे एक ही चीज पता थी, ड्यूटी, पुलिस फोर्स, अपराधियों को खत्म करना। लोग उससे कांपते थे और जो उससे कांपते नहीं थे। आप ये बात बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं क्योंकि मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। ये बात है। अच्छा ये बताओ, उसे किस चीज की स्मेल अच्छी लगती थी? स्मेल? उसे घंटा पहचानते हो, ना बारिश में भीगी मिट्टी का, ना ही नई किताबों का, ना ही पेट्रोल का। उसे भाती थी जेल की दीवारों की गंध, अपराधियों की दुर्गंध, पेशाब घर से आने वाली कंध, फाइलों पे पड़ी धूल और पुलिस स्टेशन में कांस्टेबलों के पसीनों से आने वाली कंध,
और वो अद्भुत इंटरोगेशन रूम, ओहो वो तो कोई स्वप्न लोक ही था। खून की छोटी बूंदे आंसुओं पे भीगी हुई, थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट, दूर से आने वाली चीख। क्या हुआ, डर गए क्या? नहीं मैं सुन रहा हूं। ऐसे ही एक इंटरोगेशन रूम में मैंने एक अपराधी की टांग तोड़ दी थी। जानते हो फिर क्या हुआ, उसके गिरोह के लोग मेरे घर में घुस आए। घर पे मेरी पत्नी और बच्चा था और मैं उस दिन अमित की जगह ड्यूटी कर रहा था। वो मंत्री का तलवा चाटने गया था। जब मैं लौटा कुछ भी नहीं बचा। बर्फ जैसी लाशें, सॉरी मुझे ये बात पता नहीं थी। कोई बात नहीं, सॉरी की क्या जरूरत। उस घटना ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन करता भी क्या, हम पुलिस में हैं। अगर रोने बैठे तो शहर का क्या होगा। मैंने शमशान से सीधे ड्यूटी पे रिपोर्ट किया। वेलकम, वेलकम बैक। दरअसल ये एक हिंसक कहानी है। एक दर्शक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया। सिर दर्द कर रहा है, मसाज चाहिए क्या? एक बार सोच के देखो अभी, मैंने इस पुलिस फोर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक वैश्या की तरह दिन रात काम करता रहा, लेकिन उस नमक हराम ने मुझे फोन किया और कहा, धन्यवाद महोदय, अब आपकी जरूरत नहीं। जरा एक बार सोच के देखो। फिर मैंने फैसला किया, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वे सभी कीड़े मकोड़े अपने घुटनों पर आ जाएंगे और खिड़खिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, दया की भीख मांगेंगे। बहुत दर्द हो रहा है ना? सीरियल किलिंग के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। उनको मेरी जरूरत कैसे पड़ती? इतना इजीली और मैं क्या डिजाइन कर सकता था, इसे मैं अच्छे से जानता था। यही था मेरा स्पेशल पेपर। इसका मतलब वो सभी मासूम? मैं क्या कर सकता था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गुंडा, भिखारी और एक पूरा पागल कवि जिसे आसानी से मार सकता था मार दिया। अच्छा तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो भला? तुमने भी तो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में न जाने कितने जीवों को मारा होगा, तो क्या मैं तुमको हत्यारा बोलूं? तो निवारण चक्रवर्ती ने सुसाइड नहीं किया। झूठा केस बनाना है तो झूठा सीरियल किलर तो लगेगा, और जब तक वो झूठा हत्यारा मर नहीं जाता, मामले को सुलझाने का सारा श्रेय मुझे कैसे मिलेगा? एक बार सोच के देखो। निवारण का मामला मेरे अंडर था, उसको फ्रेम करना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैत्र के साथ मैंने निवारण को बिजी कर दिया। वो अक्सर अपनी किताब के सिलसिले में देर रात तक बाहर रहता था।
और फिर मिस्टर मैत्र ने खुद ही आत्महत्या की वजह रची और बुक पब्लिश करने से मना कर दिया। और स्वपन कनाई, एक भूतपूर्व कसाई, एक हत्या के आरोप में उसे जेल में डाल दिया था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। और उसके बाद बचा हमारा एकमात्र गवाह। कनाई बहुत काम का आदमी है, वो चुपके चुपके निवारण पे नजर भी रखता था और तुमको मुख्य आरोपी तक लेकर भी गया। और अंत में उसने चाय में जहर मिला दिया। अब मुझे समझ में आया कि आपने केस को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, किसी भी चीज की ठीक से, इसका मतलब आपने उन सभी का खून कर दिया। अरे नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मैं कनाई को कविताओं के बारे में समझा देता था और वो इस काम को अंजाम देता था। मतलब आपने अपने हाथों से खून नहीं किया। हाथ और दिमाग? और दिमाग के बारे में क्या? अगर मैंने हत्या की योजना बनाई है तो मैं ही हत्यारा हूं। लेकिन अब आखिरी हत्या मैं अपने हाथों ही करूंगा। लेकिन आपने अभी कहा ना कि निवारण की चाय में स्वपन ने जहर मिलाया था। ओफ बेवकूफ, वो आखिरी हत्या नहीं थी। आखिरी हत्या आज होने वाली है। आज सावन की 22 तारीख है। इसका मतलब है आज मेरी बारी है। नहीं, तुम्हें बहुत काम करना है अभी। कनाई को गिरफ्तार करना है, इस केस की फाइल को बंद करना है, सिस्टम की खराबियों को भी दूर करना है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी ही तरह सख्त पुलिस वाला बनेगा, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे गया। लेकिन तुम कर सकते हो। दरअसल मैं लगभग खत्म हो चुका हूं। ड्यूटी से बर्खास्त होने के बाद मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, अब वो पूरा हो गया। अब आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रबीर सर, प्रबीर सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मैं मत बहुत कीजिए। पहले ही मार चुका हूँ अभिजीत। खोलिए इसे, इसे खोलिए। मैं वर्षों से अपने ही घर में परेशान पड़ा हिसाब चुकाने के लिए। प्रबीर सर ऐसा मत कीजिए। प्रबीर सर, सर 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 और मैंने अपना वो हिसाब चुकता कर लिया। प्रबीर सर प्लीज, समझ गए ना तुम? सर प्लीज, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। प्लीज सर, प्लीज सर, मैं हूं आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ, आप ऐसा मत कीजिए। वो लड़की बहुत अच्छी है, उसे झगड़ा मत करना, चली गई तो पछताओगे। आप प्लीज चुप रहेंगे, मजाक चल रहा है क्या? प्रबीर सर सॉरी 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 प्रबीर सर सॉरी 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 सर प्रबीर सर प्लीज प्रबीर सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। माफ करना अभिजीत, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैं ही खूनी हूं। और जैसा तुम जानते हो, मुझे खूनियों से नफरत है। प्रबीर सर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? तुम समय के पहियों की आवाज को किसी सुनो। और ने आपके लिए खून किया है, आपने नहीं प्रबीर सर। समय का पहिया दृश्य रूप से दौड़ता है और ये अनंत काल से हृदय सा धड़कता रहता है। निराशा के अंधकार को हमेशा की तरह कुचलता हुआ। प्रबीर सर प्लीज 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 प्रबीर सर। मेरे दोस्त, उस समय ने अब मुझे अपने रथ पे बैठा लिया है। प्रबीर सर, प्रबीर सर नहीं, अनंत की यात्रा के लिए।
इस जीवन के दुखों से दूर ले जाकर मुझे एक नई यात्रा कराने के लिए तुम लोगों से बहुत दूर जाना है, अंधकार रूपी मृत्यु से दूर प्रकाश की ओर। आप प्लीज ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। सुदूर उस सूर्योदय चुंबित पर्वत शिखर पर जहां चंचल वेग से हवाएं चल रही होंगी, मेरा नामो निशान मिटा के सर प्लीज 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 सर। आज उस राह पे हूं मैं जहां से लौटना संभव नहीं। जाता हूं मैं अपने अंतिम सफर पर। ऐ मेरे दोस्त, अलविदा। प्रबीर सर मेरी बात सुनिए। प्रबीर सर मेरी बात सुनिए। प्रबीर सर सर प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रबीर सर नहीं। गोभीर जाओ और गोभीर जाओ, गोभीर जाओ और गोभीर जाओ। ऐ बुझी तल फेर हराले प्रोजने डूबे जाओ। जंगला जुड़े मानुषेर कान गोलीर भाजे भ्रमरेर प्राण गोली कर खान लेगे थके तार दानाए हर अंधकारे छटपटी चोखे सीगरे मेरे छाई। ताई गोभीर जाओ और गोभीर जाओ, गोभीर जाओ और गोभीर जाओ। ऐ बुझी तल पेल फेर हराले डूबे সহজে বহু বছর মেখেছি রূপর বাণী সেই রূপর লোভে বাড়ি ফেরা যাবে রসাতল আর ভেজা স
শরীর চোরাগ্রতে কামড়ে ধরে য তাই গভীর যাও আরো গভীর যাও গভীর যাও আরো গভীর যাও এই বুঝি তল পেলে পের হারালে প্রয়োজনে ডুবে যাও গভীর যাও আরো গভীর 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 যাও